Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. संविधान को दिखाकर इस वोट को छलने का काम किया है अन्य दलों ने, वो सारी 21 तारीख को आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारत बंद हुआ। इस कारण से जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, बहुजन समाज पार्टी भारी तादाद से सीटें लेके आएगी। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी मीटिंग यानी कि कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें वो सभी कार्यकर्ता और नेता पहुंच रहे हैं इस समय, और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए ये कार्यकर्ता और नेता हैं। आज की जो मीटिंग है वो महम इसलिए जाती है क्योंकि मायावती को फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना जाना है। इसके साथ साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और साथ साथ हरियाणा सहित जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन, उस पर भी चर्चा होगी। कहाँ से आप आए, क्या नाम है? मैं रमाकांत पिप्पल, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए आप, तो आज किस चीज की चर्चा होगी यहाँ पर? आज तमाम जो चुनाव है अभी, और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो तमाम राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी चर्चा है। जो 1 अगस्त 2024 को जो निर्णय है उसके लिए भी एक ग्रास रूट तक किस तरीके से हमको कंपेन करना, तमाम माननीय बहन जी दिशा निर्देश देने वाली है। बहुजन समाज पार्टी के नेता भी कहीं ना कहीं दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज किस तरीके से इलेक्शन होगा, चुना जाना है, उसके बारे में क्या बातचीत? बिल्कुल, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उन्हीं को चुना जाना हम लोग समर्थन में। आकाश आनंद काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर, उनसे हमारा युवा आज कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, और युवाओं को जोड़ने के लिए माननीय बहन जी ने उनको आगे किया है और हम लोग भी उनके साथ हैं। तो मध्य प्रदेश में भी मजबूती से लड़ रही है इस बार बीएसपी? बिल्कुल मजबूती से लड़ेगी चुनाव, सभी सीटों पर। सभी सीटों पर। क्या आप बताइए, क्या नाम है आपका? सुनील बघेल, प्रदेश मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से जी। क्या आज की चर्चा होगी? आज की आदरणीय बहन जी, जो बहन जी का दिशा निर्देश होगा उन्हीं पे हम, उनके पदचिन्हों पे चल के मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। बहुत कम सीटें नहीं आ पाई इस बार, आ नहीं पाई है, क्या इस बार स्ट्रेटजी आपको लगता है कार्यकारिणी बैठक में क्या मूल मंत्र होगा? मूल मंत्र बहन जी का ये होगा कि जिस तरीके से संविधान को दिखाकर इस वोट को छलने का काम किया है अन्य दलों ने, वो सारी 21 तारीख को आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारत बंद हुआ। इस कारण से जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, बहुजन समाज पार्टी भारी तादाद से सीटें लेके आएगी, और जिन लोगों ने संविधान को दिखाकर हमारे एससी ओबीसी का वोट लूटने का काम किया है, वो सारी चीज़ें साफ होंगी। आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में पूरे देश में मूवमेंट खड़ा हुआ है। तो साफ तौर से कार्यकर्ताओं का जो आपने देखा यहाँ पर, जो मध्य प्रदेश से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, यहाँ पर जम्मू से हैं, अलग अलग प्रदेश से कार्यकर्ता पहुंचे हैं, और ये कार्यकारिणी की बैठक में बहुत कुछ फिक्स होगा, बहुत कुछ खुलकर आएगा कि आखिर किस तरीके से स्ट्रेटजी बनेगी बहुजन समाज पार्टी की, और किस तरीके से वो अब उपचुनाव सहित आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा अपनी तैयारी करेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव।